Temos, não é? Na vida, vida. Where do we start? Let's go. Right. Kas patkan gör ki öyle. Kaç bu oyun. Şey hiç bakayım kas patkan. Kas mental phone shot. Bana bak mı? बने वाह अपन बने वाह निकल चल लग 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 लोग अच्छा 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 सर जानना चाहेंगे आज की इस पीस प्रोटेस्ट के हवाले से आज आप प्रोटेस्ट हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए तो सर मुद्दा क्या है? शुक्रिया आसिफ साहब, मुद्दा तो बिल्कुल साफ शफाफ है। हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं कि हॉस्पिटल के लिए जो हमें आज से 3 साल पहले जब हंदवाड़ा के मतलब बिल्कुल लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया था कि हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया गया, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी यहाँ पे सराहना की गई। आपको ये पता होगा ये वो हॉस्पिटल है जिसने हमेशा पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारों को चलाया है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कुपवार के पेशेंट्स हैं उसका भी लोड रहता है। टंगदार से पेशेंट आते हैं, कुपवारा से पेशेंट आते हैं, चौकी बल से आते हैं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोड इसी हॉस्पिटल पर है। हम पहले हम सरकार का शुक्रगुजार करते हैं। जब इस हॉस्पिटल को बनाया गया, चाहे ये 50 करोड़ का है चाहे 100 करोड़ का है, इसका मतलब इसको पहले अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है कि हमें इसमें क्या क्या फैसिलिटी रखनी है, तब जाके उस हिसाब से इसका जो नॉमेनक्लेचर बन गया है, इसका जो एस्टीमेट बन गया है, इसके सारी जो डिज़ाइनिंग होगी, कहाँ पे मशीनरी रहेंगी, कहाँ पे जनरल वार्ड रहेगा, कहाँ पे यहाँ पे गायनी वार्ड रहेगा, कहाँ पे कंटीन रहेगा, कहाँ पे बेड्स रहेंगे, जनरल सर्जरी के वार्ड्स कहाँ पे रहेंगे, तो इसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया। तो अब हमें लग रहा है कि दिन ब दिन हम परेशानी होते जा रहे हैं। देखिए, हम सरकार को दूसरे डिसीजन का भी हम तरफ से उसको हम सराहना करते हैं कि हंदवाड़ा को उन्होंने 2 सालों से ऐलान हुआ, अभी तक भी उनका सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। वो मतलब मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से ना मतलब बहुत सारी चीज़ों पे उनका मतलब कुछ लीप होल्स है कि जमीन स्तर पे उनका हमें कोई अच्छा सा नहीं मिल रही। अभी तक भी आप देखिए कि मतलब मेडिकल कॉलेज जो चौगुल में तो वो लैंड आइडेंटिफाई हो गई है, 200-400 कनाल लैंड आइडेंटिफाई हो गई है, अभी तक भी वहाँ पे कोई टेंडर नहीं निकाला गया, कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। अब आज क्या कह रहे अब हम रेंटल ले रहे हैं, हम फिलहाल रेंट पे लेंगे, तो 2.5 साल में क्या हुआ, क्या ये रेंट पे ही रहेगा फिर? अब वो उसके हिसाब से भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वीक है। हाँ, अब हम जो जिस चीज़ के लिए हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं, हम अदबन गुजारिश करना है अलजी इंतजामिया से, और हम इसके कमिश्नर शक्री मेहता साहब से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं, क्या वजह है अगर ये हॉस्पिटल तैयार है। हमने पहले भी कहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पे जिसने आज तक पूरे हंदवाड़ा को चलाया, उसमें हमारा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल भी अलग है, हमारा गैनी का भी हॉस्पिटल छोटा मोटा है लेकिन अलग है। अब जो ये बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वगैरह, हम लोग कहा था आप अगर जल्द से जल्द शिफ्ट आप करेंगे तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे भी स्टार्ट फिलहाल टेम्प्रेरी बेस पे स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब इसमें तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक कबड्डी मैच जैसा लगा है अंदर, कि कोई अब दूसरा आया कि अब थर्ड वार्ड में हम पीडियाट्रिक वार्ड बनाएंगे, उसके कुछ अलग से फंड्स आए। हम सरकार के शुक्रगुजार, चलो आपने 7-8 करोड़ या 10 करोड़ उसके लिए रखे हैं पीडियाट्रिक वार्ड के लिए, ऑलरेडी उसका हॉस्पिटल यहाँ पे है। जब यहाँ पे जो एक्सरिया हुआ था वहाँ पे नेवी चीफ ने यहाँ पे हमको वो पीडियाट्रिक वार्ड दिया था, हॉस्पिटल दिया था, काफ़ी अच्छा चल रहा है।